तो वेलकम है दोस्तों। देखिए सेमेस्टर वन का योगा एडुकेशन, ठीक है, हेल्थ वेलनेस योगा एडुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस का जो पेपर है उसके लिए नोट्स तैयार किया है एक दोस्त ने मुझे सेंड किया, सत्यनारायण गुप्ता ने, ठीक है। और उनका यह नोट्स देखकर मुझे इतना प्रिय लगा कि यार मैं आपके साथ शेयर करने के लिए सज्ज हो गया, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले तो इनका एक रिव्यू करवा देता हूँ। और सत्यनारायण गुप्ता जी को आभार प्रकट है इस प्रकार के नोट्स को हमारे साथ शेयर करने के लिए, ताकि मैं आप सभी के साथ शेयर कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको ये नोट्स किस टाइप का है। तो देख लीजिए, नोट्स आपको अभी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ सजाया है कि मैं रोक नहीं पाया आप लोगों के साथ शेयर करने से, ठीक है, क्योंकि अच्छे चीज़ को फैलाना चाहिए। और सत्यनारायण गुप्ता जी, वाकई में आपकी कलाकृति की दाद देता हूँ मैं। चलिए देख लेते हैं सर। और यह आपका हेल्थ वेलनेस योगा एडुकेशन का प्रोजेक्ट है, यानी कि जो प्रैक्टिकल जमा करेंगे, बस सेम टू सेम इसी को देख के आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिएगा। और अभी फ़िलहाल नोट्स के लिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनके लिए मैं फ़िलहाल दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये इस तरह से बनाए हैं प्रोजेक्ट, जब प्रैक्टिकल बनाएंगे आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। फ़िलहाल तो हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए देख लेते हैं क्या क्या हमारे काम की चीज़ें हैं। तो देखिए, पहला है आपका योग के लक्ष्य एवं उद्देश्य, जो आपका नोट्स है इसको पढ़ लेना है, ठीक है। योग के लक्ष्य एवं उद्देश्य टोटल एक पेज में है। फिर है योग के कितने प्रकार होते हैं, इसमें राजयोग है पहला, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया, मुझे पसंद आ गया इनका अंदाज। कर्मयोग है, फिर भक्ति योग है, ठीक है, फिर ज्ञान योग है, इस तरह से इन्होंने बताया है। फिर हट योग पाँचवें पॉइंट पर आता है, ये पॉइंट वाइज किए हैं, देख सकते हैं। चार नंबर पर है ज्ञान योग, पाँच नंबर पर है हट योग, ठीक है। फिर छठे नंबर पर मंत्र योग, फिर है अष्टांग योग। तो इस तरह से इन्होंने पूरा का पूरा डिफाइन किया है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, योग के प्रकार। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे प्राणायाम के बारे में बताएं कि प्राणायाम और प्राणायाम के प्रकार, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अष्टांग योग है, उसके बाद प्राणायाम शुरू हो जाता है इनका। तो चलिए देख लेते हैं, अनुलोम विलोम है इसमें, फिर है ये भ्रमरी है यार भस्त्रिका है, हाँ ठीक है, सही है, ठीक है, भ्रमरी है फिर भस्त्रिका है। उसके बाद यहाँ पे अभ्यास विधि के लिए इन्होंने क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। ध्यान के लिए किसी भी सुविधाजनक वज्र आसन तथा सुखासन, सुखासन मतलब जमीन, ठीक है। तो कुछ इन सब चीज़ों को, जो कठिन वर्ड है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नासिका मतलब नाक के द्वारा गहरी सांस लें, बिल्कुल अच्छा लिखा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो हम देखेंगे तो इन्होंने फिर कपाल भाति के बारे में बताया है, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और इनके लाभ ये सभी आपके एग्ज़ाम में आएंगे, बस आप इतना पढ़ लीजिए, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली दोस्तों 90% मैं बता रहा हूँ मस्त जाने वाला है। सूर्य नमस्कार देखिए इन्होंने बताए हैं, सभी स्टेप वगैरह भी अच्छे से डिफाइन किया है सूर्य नमस्कार, ठीक है। 12 स्थिति होती है, 12 आसन होते हैं इसमें, 12 प्रकार के, सबको एक एक पॉइंट वाइज इन्होंने डिफाइन अच्छे से किया है। 7 नंबर या 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, ठीक है। तो ये एक्सीलेंट मार दिए हैं इस फील्ड में। आगे देख लेते हैं, तो फिर बताया है कि इसके लाभ क्या हैं, सूर्य नमस्कार के लाभ क्या हैं, इनके बारे में भी बताया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ ना एक इन्होंने चित्र बनाया है और काफ़ी अच्छा चित्र है यार, ड्राइंग मास्टर हैं। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे सूर्य वेदी एवं चंद्र वेदी प्राणायाम, प्राणायाम के बारे में है। आगे देखते हैं इन्होंने कैसा फिर नोट्स तैयार किया है। प्राणायाम के उद्देश्य तो शारीरिक तथा मानसिक विकास है, विधि रोगों का निदान है, ठीक है। फिर है आपका अध्यात्म की ओर प्रवृत्ति कर साधना में लीन, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनका जो है कहीं कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है। फिर लाभ है इनके, तो बहुत अच्छा है। फिर है फिटनेस एवं वेलनेस के बारे में बताया है, वेलनेस मतलब आप लोग कल्याण भी बोल सकते हैं, ठीक है, फिटनेस एवं वेलनेस के बारे में। तो देखिए पहले तो उनका परिचय कर दिया है कि फिटनेस और वेलनेस क्या होता है इसके बारे में। फिर यहाँ पे इन्होंने पॉइंट वाइज बताया है, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 दिया है, पॉइंट नंबर 2 दिया है, पॉइंट नंबर 3, नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 4, स्वास्थ्य का परिचय, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। स्वास्थ्य का परिचय, स्वास्थ्य का अर्थ बहुत अच्छे तरीके से बताया है, बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर स्वास्थ्य विश्व के तहत WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके तहत क्या है, उनकी मापदंड क्या है, स्वास्थ्य की विशेषताएं क्या होती हैं, स्वास्थ्य की ये सारी चीज़ इन्होंने अच्छे से रेडी किए हैं। स्वास्थ्य का महत्व आपको एक चीज़ मैं बता दूंगा वीडियो के एंड में,
आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा के क्या लाभ होते हैं, आपके एग्जाम में जो जितने भी क्वेश्चन बनाए थे ना, सब आपके क्वेश्चन यहाँ से टच हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बस इतना पेज पढ़ लेना है, जितना भी आपके समय है इन समय का सदुपयोग कर लीजिए। स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत, ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, और आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे है फिर आपका खड़े है, तो इनका राइटिंग थोड़ा सा मतलब पकड़ में आने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। खड़े होकर करे किए जाने वाले आसन, ठीक है, तो खड़े होकर किए जाने वाले आसन हो सकता है आपको पूछ ले, जैसे कि ताड़ासन होता है, ताड़ की तरह उसने अपने शरीर को करना होता है। ठीक है, फिर है आपका अर्धचक्रासन, अर्धकटित चक्रासन, ये सभी आपके यहाँ पे दिए गए हैं। थोड़ा थोड़ा कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको देख लेना है। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि लेट यह पीठ के बल किए जाने वाले आसन, तो लेट के या पीठ के बल किए जाने वाले आसन के बारे में भी इन्होंने बताया है। पूरा का पूरा इन्होंने सिलेबस कवर कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा यार थैंक्स, आप लोग इसी तरह से मेहनत कीजिए। ठीक है, और सत्यनारायण गुप्ता जी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह से अपने कुछ नोट्स वगैरह शेयर करना चाहते हैं, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, ये देखिए, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना भेज दीजिएगा, और मैं इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, वहाँ से इस PDF को आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है, आप लोग अपना एग्ज़ाम का प्लीज़ क्वेश्चन पेपर शेयर कर दीजिएगा इस व्हाट्सएप नंबर पे, क्योंकि इसी के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना पाता हूँ, शेयर कर पाता हूँ, क्योंकि आप मदद करेंगे तभी हम आपकी मदद करते हैं। वो कहते हैं ना कि एक दीपक दूसरे दीपक को तभी जला सकता है जब वह खुद प्रज्वलित होता है। ठीक है, जब वह दीपक खुद नहीं जलेगा तो दूसरे को कैसे जलाएगा। इसलिए जब आप लोग मदद नहीं करेंगे तो फिर मैं मदद कैसे कर पाऊंगा। ठीक है, इसलिए आपका जैसे ही एग्ज़ाम होता है, आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर को तुरंत भेज दीजिएगा, ताकि आपके जितने भी जूनियर दोस्त हैं या फिर जिनका बाद में एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, मैं भी आपकी मदद करूँगा, और सबका साथ सबका विकास, हमारा झारखंड भी आगे बढ़ेगा यार। ठीक है, काफ़ी झारखंड पीछे है दोस्तों, हम सभी को ध्यान देना है, आगे बढ़ाना है इसको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड इसी तरह से थैंक यू। और यार सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, उतना व्यूज़ आता है लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम आता है। कोई बात नहीं, आप लोग जब मन हो कर लीजिएगा, जो अच्छा लगे अपने उचित जो समझे। ठीक है, और बाकी PDF मैं दे ही रहा हूँ।